सभी स्वामियों का भारतीय जन्म टीवी चैनल में आपका स्वागत है। पहले मैं मधुमा से पूछना चाहता हूँ। मधुमा जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। क्योंकि लास्ट टाइम आपका जब आपको भी उसने शुरू में मारपीट करने की कोशिश की थी, आप बताइए क्या हुआ था उस टाइम पे। जी पहले तो उस लेडी का नाम है जेंड्रा विंड्रो, जर्मन महिला है और काफी अरसे से वो ओशो कमी में आ रही है। अच्छा, जिस दिन उसने मुझ पे अटैक किया, हमला किया, उस दिन 21 अगस्त था, जब हाई कोर्ट की ऑर्डर हमें पहले ही आ गई थी और हम लोग मेन गेट पे, हमारे कुछ मित्र वहाँ पे मेन गेट पे, ओशो कम्यून के मेन गेट पे ध्यानेश और इन सबसे ट्रस्टियों से बात कर रहे थे। तभी जनमत का आपका चैनल भी वहाँ पर था, आप भी सबका लाइव ले रहे थे। तब मैं वहीं पर रास्ते में मैं खड़ी थी। मैं देखना चाहती थी कि ये लोग ट्रस्टीज जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट हो रहे हैं ये सारी चीजों को लेके। तो मैं रोड पे खड़ी थी और पुलिस भी काफी मात्रा में वहां पे उपस्थित थी। तो मैं रोड पे खड़ी होके मैं लाइव फेसबुक पे लाइव थी और मैं वीडियो लाइव थी, तो वो चल रहा था ब्रॉडकास्ट मेरा। और मैंने अचानक से देखा कि ये महिला जैसे ही बाहर आई, वैसे तुरंत आसपास के सारे लोग, अनिल गुप्ता स्वामी जी जो रोज वहाँ पे मेन गेट पे जाते हैं, जिनको भी काफी प्रताड़ित किया गया है ओशो कम्यून के ट्रस्टियों ने, तो वो भी वहाँ पर थे। तो इस ये महिला जैसे के पास आई, उनको क्या कहा पता नहीं, वो एकदम से पीछे सरक गए। पुलिस सब देख रही थी। फिर उस महिला ने मेरी तरफ देखा और उस वो अपना मास्क निकाल के वो गाली गलौज करना शुरू किया। उसके बाद उसने इस तरह से हाथ के इशारे भी किए, जैसे कि ये वेस्ट लोग करते हैं, गंदे इशारे करते हैं, तो उस तरह से उसने गंदे इशारे भी किए मेरी तरफ। पुलिस सारी वहां खड़ी थी, सब देख रही थी। उसके बावजूद वो मेरी तरफ दौड़ी, जोर से दौड़ी, और उसके हाथ में उसका जो झोला होता है उसमें वो काफी भारी भरकम सामान रखती है, ताकि किसी को मारने के लिए वो तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। तो अभी वो जैसे उसके मेरी, लिए आपके लोगों ने, जो आपने जो भी जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ वहां के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रेप कैसे करना चाहिए उसके लिए? जी हमने इसके खिलाफ, अब वहां पे पुलिस भी थी, उसने जो मारा वो पुलिस ने भी देखा है, वहां पे सारे जो लोग थे उन्होंने भी देखा। उन्हीं में से हम लोग चार लोग हम लोग पुलिस स्टेशन गए। हमें वहां पुलिस ने कहा, महिला पुलिस जिनको मैं कह रही थी, भारती इंगोले मैडम नाम है उनका, जिनके पास पहले से ही मेरी एफआईआर दर्ज है कि जिस ट्रस्टी ने पहले भी मुझे बहुत परेशान किया था उनके खिलाफ, योग प्रताप के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है जो मैडम ने की है। उनका नाम है भारती इंगोले मैडम, जो कि कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में है। तो वो भी वहां पे खड़ी थी, वो आंखों से देख रही थी सब। तो मैंने उनको कहा कि आप कुछ करते क्यों नहीं, हम यहाँ महाराष्ट्र में हैं, हम यहाँ पूना में, हम लोकल है यहाँ के, और आप छोड़िए, आप पुलिस नहीं, आप एक महिला है या आप एक दोस्त है, उसके हैसियत से तो आपको कुछ करना चाहिए। जब वो दौड़ी मेरी तरफ, आपने अटैक होने कैसे दिया? तो पुलिस ने तब, वो लेडी पुलिस जो भी वहां थी, उन्होंने तब मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे कहा गया कि आप जो लाइव ले रहे हो, कैमरा जो आप शूट कर रहे हो वो बंद करो पहले। तो मतलब हम शूट भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे वहां पे, ये उनको दिखाना नहीं है, पुलिस को ये दिखाना नहीं है कि उनके आंखों के सामने वहां हमला किया जा रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे, ये उनको मीडिया में आना नहीं है। अगर वो मीडिया में आएंगे तो इनके खिलाफ सब लोग बात करेंगे ठीक है कि साहब, पुलिस भी अभी वहां पर थी। जैसे जैसे वो जर्मन महिला ने आपके ऊपर मारने की कोशिश की, उसी तरह स्वामी संतोष कोशिश जी पे भी 2 दिन नहीं, पहले, कोशिश कोशिश नहीं की है, मारा है, अटैक हुआ है, मारा है, कोशिश नहीं कहते इसे, इसे कहते जी। मारा है, अटैक अच्छा, हुआ है। उसी हाँ टाइम में भी संतोष स्वामी को भी उसी टाइम में वही लेडी ने मारा हुआ है, क्या बोलते हो संतोष स्वामी जी, बोलिए। जी, मैं 10 तारीख की सुबह 8:30-9 बजे मैं गेट पे पहुंचा, भगवान शिव को प्रणाम किया और गेट का जो चबूतरा है उसके ऊपर मैं बैठ कर रहा था। तो ये लेडी आई और इसने
सीधा मेरे ऊपर ये कहा कि यू लिव दिस माई प्लेस, दिस इज माई प्लेस, और फिर यू ब्लडी इंडियन, यू ब्लू सूट, यू इंडियन बेगर, इस तरह की तमाम चीजें वो कम से कम 2-3 मिनट तक उसने बक्का। इसके बाद वो जब मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप बैठा रहा, तो फिर वो टेबल पे चली गई जो ब्लैक कलर की टेबल गेट पे लगी हुई है। फिर वहां से वो ये चिल्ला रही है कि दिस इज माय प्लेस, दिस इज माय प्लेस। और फिर मेरे समझ में आया कि ये आज मेरे मोबाइल निकाला और वीडियो शूट करना शुरू किया। बस उतने पर वो झोला लेके बिल्कुल एकदम माँ का रखना से मेरे ऊपर आके झोले से एक झोला मुझे मारी, और इसके बाद मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की। और तब तक वॉचमैन आ गया तो वो मुझसे बोल रहा है कि आप वीडियो बंद करिए। तो मैंने कहा भाई ये मुझे मार रही है तो मैं वीडियो निकाल रहा हूँ इसका, इसको बोलिए ये हट जाए, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। और मैंने इतने पर वीडियो बंद कर दिया। इसके बाद फिर मेरे समझ में आया कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, तो मैं चला गया पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ लोग परेशान थे, पुलिस स्टेशन की बिल्कुल खाली थी। तो जो लोग वहाँ थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप 4 बजे आइए, साहब लोग सब 10 दिन से परेशान थे, वो इस समय आराम कर रहे हैं। वहाँ से कम्यून में आया गेट के पास में। फिर मेरे मित्र ने किसी ने कहा कि आप कंट्रोल को फोन करके अपना शिकायत दर्ज करा दीजिए। तो मैंने कंट्रोल को फोन किया और फिर वहां से हटके मैं करीब 20-25 मिनट के बाद पुलिस आई, तो उसने मुझे कॉल किया, तो मैं गया उनके पास। तो उस पुलिस ने कहा कि 4 बजे शाम को पुलिस स्टेशन आइए और यहाँ बैठिए मत। तो मैंने कहा ठीक है हम आते हैं 4 बजे। और फिर शाम को इनको इतनी तकलीफ हो रही है वो चीज लिखने में कि मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ कि ये पुलिस कंप्लेन लेने से। और फिर वहाँ आपस में बात भी हुआ है पुलिस की में। मैंने कहा भैया इंस्पेक्टर जो थे उन्होंने क्या कहा कि हम सीसीटीवी देखेंगे, इसके बाद आपकी कंप्लेन लेंगे। तो मैंने कहा ये तो और सीसीटीवी आप देख लीजिए, जैसा उसमें हुआ है वैसा आप लिख दीजिए, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ। तो बाद में मैं वहां से उठ दिया। फिर मुझे बुलाते हैं कि आइए आइए आपकी कंप्लेन लेते हैं। वहां साहब लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, 3 हवलदार को बैठा दिया है और मेरी कंप्लेन लेने के लिए। काफी जद्दोजहद के बाद भी जो मेरी पूरी बात थी वो नहीं लिखी गई। और मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये कोरेगांव पुलिस हमारी पुलिस है या ये सिर्फ ओशो कम्यून की पुलिस है, ये मैंने नहीं समझ में आ रहा है। आपकी कंप्लेंट ली है कि नहीं ली है अभी फाइनल? मेरी कंप्लेन ली है, लेकिन जो मेरी पूरी बात थी उसको सुने नहीं है जी। वो अपने ढंग से खाली हमको संतुष्ट किया गया है कि ये हम आपकी एजेंसी ले लिए। अनुग्रह जी आपने ये सब सुन लिया है ये बातें, आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से बताइए जरा। क्योंकि जो जर्मन महिला है जो इंडिया में रहती है, इंडिया के बारे में गलत सलत बोलती है, कहाँ तक अच्छा है? इन दोनों डिफरेंट एक्सीडेंट में एक चीज कॉमन है, ये जो बाहर जो बाउंसर खड़े हैं, जो पुलिस खड़ी है, उनका रवैया अच्छा नहीं है हमारे लिए। देखो पहले जब मधुमा के ऊपर अटैक हुआ तो वो मधुमा को रोक रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, उसको नहीं रोक रहे हैं, ठीक है। और सेम जब स्वामी संतोष जी के ऊपर अटैक हुआ तो वो जो गार्ड, मैंने सुना वीडियो में, कह रहा है कि आप वीडियो निकालना बंद करो, ठीक है। वीडियो निकालने का अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी दिया है, रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने। मेरे को ये पूछना है कि ओशो आश्रम में ऐसा क्या होता है वहाँ पे वीडियो निकालने के लिए पाबंदी है? पाबंदी नहीं है, ये लोग हमारे पे इम्पोज करते हैं ये रूल, ऐसा कोई कानून नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते। हम इंडिया में राइट्स है, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि आप निकाल सकते हो, तो वही तो हमारे पास सबूत होता है आगे पेश करने के लिए कोर्ट के अंदर। तो अच्छा, इस औरत की एक पुरानी हिस्ट्री भी रही है, इसी सेम जर्मन औरत की, मेरे टाइम पे, ये बात है एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं, 99-2000 के आसपास की बात है। इसी औरत ने स्विमिंग पूल के अंदर मेरे एक फ्रेंड को, मेरा फ्रेंड का नाम था स्वामी सत्यम, वो नौसाड़ी गुजरात का था, आजकल वो US में ही रहता है कहीं, ठीक है। वो स्विमिंग पूल में नहा रहा था और ये आई
कुछ ऐसे ही जैसे उसका स्टाइल है हमेशा से, वो शुरू करती है ऐसे इंडियन को कोसना पहले, फिर उसको उसने डुबाने की कोशिश की मेरे फ्रेंड को। ये इशू इनर सर्कल की मीटिंग में जरीन ने उठाया, क्योंकि जरीन के वो सत्यम स्वामी बहुत करीब था। जरीन चाहती थी कि ये औरत बैन हो जाए। जरीन उस वक्त स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर थी, इनर सर्कल की तो थी ही थी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी भी उसके अंडर में आता था। तो वो ध्यानेश ने इसको बचाया, इस औरत को। ध्यानेश उस वक्त भी इन्वॉल्व हुआ था कि नहीं इसको वार्निंग दे देते हैं, 6-7 दिन के लिए महाबलेश्वर में या गोवा जाने के लिए बोल देते हैं, यही पनिशमेंट दी थी उसको, कुछ ऐसी सिंपल सी पनिशमेंट, यू गो गोवा 1-2 वीक्स एंड देन कम बैक। लेकिन यही हरकत कोई इंडियन करता था तो उसको 6 महीने साल के लिए हमेशा के लिए बैन कर देते थे। तो ये जब हुआ तो मैंने ये बात फिर एक फ्रेंड से कंफर्म की, ये जो स्विमिंग पूल वाली बात बता रहा हूँ, अभी अभी आरती माँ ने भी इसका जिक्र किया। साल मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 20-22 साल पुरानी बात है, एग्जैक्ट मैं आपको साल नहीं बता सकता, लेकिन ये किस्सा हुआ है ऐसा इसी औरत से। दानिश उसको सपोर्ट करता है क्या? पूरा सपोर्ट करता है, ये दानिश के कहने पे हुआ है। देखो जब भादु माँ के ऊपर हमला किया तो दानिश को उसी वक्त ही बैन करना चाहिए, उस वक्त पुलिस थी, इतने तो गवाह है उस वक्त, कम से कम 40-50 लोगों ने देखा मधुमा, राइट? और फेसबुक, और फेसबुक लाइव था, राइट? फेसबुक लाइव था, मैंने इधर देखा, मैंने इधर लाइव देखा, वो फेसबुक लाइव चल रहा था मधुमा का, ये जब थैला लेके आई इनके ऊपर अटैक किया, मैं इधर से अमेरिका से बैठ के लाइव देख रहा हूँ, ऐसे बचा मेरे जैसे कई लोगों ने देखा उसको, ठीक है? और उधर पुलिस मौजूद थी। ध्यानेश को तो राइट अवे पास ले लेना चाहिए, जैसे वो हमेशा दादागिरी करता है इंडियनों के ऊपर, क्यों नहीं इसके ऊपर की, जिसकी मर्जी से ही हो रहा है सब कुछ। अभी अभी उन्होंने क्या इसका हल निकाला है कि ये लोग यहाँ पे धरना देने आते हैं, महिला के ऊपर अटैक करेंगे तो यही फंसेंगे, मुहिम का नाम खराब होगा। स्वामी संतोष जी ने सही किया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, हम अटैक बैक नहीं किया, समझदारी का काम किया बहुत। आज इन्होंने अटैक किया होता तो आज इन्होंने मुहिम की ऐसी तैसी कर देनी थी, अंदर वाले लोगों ने बदनाम कर देना था कि हम ये है, हम लुच्चे लफंगे सब इस तरह के लोग हैं। तो वो करवा रहा है, वो महिला को बेच के करवा रहा है कि ये हमको प्रोवोक कर रहा है। प्रोवोक को हिंदी में क्या कहते हैं? उकसा रहा है हमें। आप क्या बोलना चाहते हो इस बारे में? दिस इज शॉकिंग एंड आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग कि एक विदेश एक सीनियर तरीके का इस असर इंडियंस को यू ब्लडी और बेगर बोलती, इस औरत को इमीडिएटली इंडिया करना चाहिए। ये तक है हमारी ओपन मैनेजमेंट और जितने भी लोग इस तरीके की चीज को देख रहे हैं नहीं उठा रहे। साल हमारी 70 ईयर आया है और इस औरत की कैसे क्या लैंग्वेज यूज करे और क्यों हाउ डेयर सो मेनी कंट्रीज आई हैव ट्राइड सो मेनी बीन नेक्स्ट काइंड ऑफ लैंग्वेज विद एनी respect for all cultures, respect for all people, respect for all people. We don't engage in this kind of racism and this kind of stupid language and assaulting senior citizens. Shame. It is an absolute shame. And I think it is high time मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि अभी हमें इस पे क्या का आप लोग क्या इसके जो भी अभी एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके बारे में आप सब स्वामी मिलके आगे का क्या रणनीति बना रहे हो? कल स्वामी जी ने मुझे बताया, संतोष जी ने, कि इन्होंने लेटर लिखे हैं जर्मन एम्बेसी को और इंडिया में फॉरेन मिनिस्ट्री को, दिल्ली में और तरह तरह जगह जगह इन्होंने लेटर लिखे हैं। उससे वो अच्छा अच्छा किया इन्होंने, उनके नॉलेज में लाया कि ये क्या हो रहा है इधर। और अगर स्वामी जी मुझे लेटर भेजे तो मैं ह्यूमन राइट्स का दफ्तर है इधर न्यूयॉर्क में, मैं वहां दे सकता हूँ। कार्रवाई होती है ऐसा,
मैंने देखा है कार्रवाई होती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही है। अभी पुलिस ने दो धाराएं लगाई है, 323 और 504, राइट? मैंने पढ़ा उसमें, इसमें दो धाराएं लगाई है पैनल, इंडियन पैनल कोड के हिसाब से 323 504, लेकिन वो धाराएं कोई इतनी स्ट्रांग धाराएं नहीं है। वो धाराएं बातचीत में रफा दफा हो जाती है कि हम गए थे, हमने पुलिस अपना अपना बोले कि हमने काम किया, लेकिन एक्शन नहीं लेने वाली। और एनसी करा रही है बार बार, एफआईआर नहीं करा रही है। इसमें तो एफआईआर होनी चाहिए, बड़ा सीरियस इशू है, वायलेंस हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, आश्रम में बैन क्यों नहीं है अभी तक? वो पहले हम गेट पास ले लेते थे, आरती को याद होगा, 90s में हम लोग एक दो चीजें कभी टॉलरेट नहीं करते थे, एक चोरी और एक ये वायलेंस। ठीक है, कोई चोरी करे आश्रम में उसका गेट पास तुरंत लिया जाता था, और वायलेंस करे तो उसका तुरंत लिया जाता था। इसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये किस वीजा पे रह रही है इंडिया में, कितने सालों से है, क्यों है, इसके पास प्रॉपर वीजा है भी कि नहीं है, कि ओवरस्टे है। मुझे तो ओवरस्टे लग रही है ये, क्योंकि इतने सालों से मैं इसको देख रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो क्या क्या है इसके पास, क्या स्टेटस है इसका वीजा का, वो भी इंक्वायरी होनी चाहिए। अनुग्रह जी, मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है कि जितने भी बाहर के स्वामी लोग हैं, जो भी आश्रम के बाहर रहते हैं, उनमें एकजुट नहीं है, और एकजुट नहीं होने की वजह से एक जर्मन महिला हमारे भारतीय लोगों को मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, इंडिया के बारे में गलत बोलती है। ये इसका एक ही रीजन हो सकता है कि जितने भी हमारे बाहर रहने वाले जो लोग हैं, उनमें एकजुट होना जरूरी है, और वो महिला को, कोई महिला हमारे पास ऐसी कोई महिला नहीं है कि उसको सवाल का जवाब दे सके। स्वामी जी, इससे बड़ी बात है कि अंदर वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर तो, बाहर का मामला अलग अलग रखो। अंदर वाले क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? जब मधुमाह के ऊपर अटैक किया, उसी वक्त ही एक्शन लेना चाहिए ना। हाँ, तो लेकिन मधुमाह पे जब अटैक हुआ तो तब बाकी लोग कहाँ गए थे? बाकी लोग क्यों एक साथ नहीं आए? देखो, स्वामी जी ने उसको अटैक नहीं किया, ये समझदारी की इन्होंने। हम मुहिम चला रहे हैं, ठीक है। हम अगर वापस अटैक करने लगेंगे तो हम आंदोलन पूरा बिगड़ जाएगा ना। आंदोलन को वो बिगाड़ने, वही तो चाहते हैं, यही तो वो चाहते हैं कि हम इनके वापस अटैक करें। हमने समझदारी की, मधुमा ने भी उसको रिप्लाई नहीं किया। ये अभी कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को वापस थोड़े काटते हैं। नहीं, उसके ऊपर अटैक भी ना करे, लेकिन एक संघ में एकजुट होकर कोई आंदोलन तो छेड़ना चाहिए। वो हम कर रहे हैं ना, अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आगे चल के हम प्रोटेस्ट भी करेंगे इसके बारे में। अभी मैं 2 महीने में आऊंगा, अगर वो महिला अभी भी अंदर होगी तो मैं उसका विरोध करूंगा ना। अभी हम कर रहे हैं ना, जो जितना स्वामी जी पुलिस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसको अंदर से बड़ा सपोर्ट है, इस औरत को अंदर से सपोर्ट है। जब तक वो बहुत गलत तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अंदर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी महिला को क्यों वो गेट पास क्यों नहीं छीना गया अभी तक उसका? जी जी, आरती मैम बोलिए। मुझे याद है जो अनुग्रह भी बोल रहा था, उस समय 90s की बात है, मैं भी ओशो टाइम्स में काम कर रही थी उस समय, और ये स्विमिंग पूल का इंसिडेंट मुझे भी याद है कि उस समय इस लड़के को, सत्यम को, इस औरत ने पानी में कोशिश करी थी। इससे साबित होता है ये एक रिपीटर है, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम कर रही है, ये दोबारा, ये बार बार ये हरकत कर रही है और बार बार बच रही है, और इसे ओशो मैनेजमेंट ट्रस्टीज ही बार बार बचा रहे। उस समय तो आई थी और यूटिका भी एक और थी और उस एक मनारता भी था, एक मनारता भी था, ब्रिटिश मनारता भी था, आपको याद होगा, मनारता ब्रिटिश। तो ये इंसिडेंट बिल्कुल याद है, बहुत ऐसा हुआ था, ऐसी घटी है। इसका मतलब है ये जो लोग हैं, विदेशी लोग हैं, ये मैनेजमेंट ट्रस्टीज के आड़ में रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन में रहते हैं, और इंडियंस के खिलाफ इस टाइप की और असॉल्ट करते हैं, और उनके प्रोटेक्शन में ही यहीं पे कंटिन्यू करके रहना चालू करते हैं, और इस पे आज तक करते जा रहे हैं। ये ऐसा हुआ है ना आरती, कि इन्होंने बाउंसर हटाए,
जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो इनको बाउंसर बाहर से हटाने पड़े। इसके पहले तक ये लोग बाउंसर रखते थे आश्रम के यहाँ, हमने लिखा है। अब इनको बाउंसर तो नहीं रख सकते आश्रम के बाहर क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो इसलिए ये क्रिमिनल काइंड ऑफ एक्टिविटी करने वाले लोगों की टीम ये लोग अभी अंदर पाल रहे हैं। उसमें से ये एक जो है, पहले ये जर्मन लेडी, इसको भेजा जाता है क्योंकि ये इसका ऑलरेडी क्रिमिनल माइंडसेट है। जो औरत किसी इंसान को पानी में नीचे डुबाने की कोशिश कर सकती, इट मीन्स शी हैज वेरी क्रिमिनल माइंड। क्या करना क्या चाहती है, उसको मार डालना चाहती है। ये इतनी क्रिमिनल एक्ट है यही इतनी क्रिमिनल एक्ट है कि इसको 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 तो तभी बाहर ही निकाल देना चाहिए था। और हम लोग अभी जो कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है, इसके पासपोर्ट की सारी जानकारी हमें चाहिए। अब पासपोर्ट की जानकारी हमें तब मिलेगी, इसके लिए भी काफी सारा समय ये लोग पुलिस के पास ही हमें जाना पड़ेगा, उसमें काफी सारा समय ये लोग खाएंगे, समय खाते हैं और इश्यू को ये ठंडा कर देते हैं। तो हम लोग बस इनको वही एप्लीकेशन लिखो भैया, इसको लिखो उसको लिखो, इसकी जानकारी दे दो हमें कि इसके पासपोर्ट की जानकारी क्या है, उस हिसाब से फिर आगे हम जाएंगे कि ये जो जर्मन एम्बेसी है या फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है, यहाँ तभी जा सकते हैं जब इसके पासपोर्ट की डिटेल्स हमें मिले। डिटेल्स हमें मिलेगी पुलिस की तरफ से, और पुलिस हमें देने के लिए कितना और समय लगाएगी पता नहीं। कम्यून अथॉरिटी ट्रस्टीज हमें देंगे नहीं क्योंकि ये उन्हीं की पाली हुई गुंडागर्दी करने वाली, ये उन्हीं की उपज है। और ये तो ऐसे और लोग पालेंगे अंदर, ऐसे उपज और ये लोग करेंगे ताकि जो काम इनको बाउंसर के जरिए करवाना था वो अब ये ऐसे लोगों के जरिए करवाएंगे। ये बात तो सही है क्योंकि उनको उसी के लिए संभाल रहे हैं कि भाई अभी बाउंसर तो हम लीगली नहीं रख सकते हैं, तो इस लोगों को इस टाइप में तैयार करके छोड़ दो। लेकिन ये इसके बारे में जितने भी अपने बाहर के लोग हैं, जो भी बाहर आश्रम के बाहर रहते हैं, उन लोग ने एक साथ आके उसपे कुछ ना कुछ आंदोलन करना चाहिए, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल करना चाहिए। और होना चाहिए कि why ocean management trustees are not taking action against this foreigner who is assaulting our senior citizens? Why ocean management is silent about this? Why ocean management is not apologizing? Sadhna, why Sadhna कुछ नहीं बोल रही। Why even Sadhna, she is a spokesperson। Sadhna जो है, माँ Sadhna, वो स्पोक्स पर्सन है कम्यून की, तो उसे तो कुछ बोलना चाहिए कि जब ये दो इंसिडेंट हुए हैं तो भी वो कुछ नहीं बोल रही। गलतियां उनकी तरफ से हो रही है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, उसको उसको ढांक के रखेंगे और वो वही कहेंगे कि मामले कोर्ट में है, वहां पे जाओ उनसे बात करो। लेकिन अभी इसमें आवाज ले उठाएगा कौन? ये पहला मेरा एक मुद्दा है कि इसमें आगे लीड पे देखे ये आंदोलन छेड़ेगा कौन? What we need help from the media also to raise this on a much bigger level. Because media by itself is also very strong. And senior citizens, this type of language used in today's date, you bloody Indians, you Indian beggars. हाँ, आरती माँ, उसने जब 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 मुझे भी उसने the issue with the media on a very bigger level. मीडिया में हर ये मुद्दे तो उठते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी आपके सन्यासी स्वामी लोग हैं, ये सब साथ में आना आज की जरूरत है। बिल्कुल, आई एग्री विथ यू प्रमोद जी, आई एग्री विथ यू। क्योंकि बहुत से ऐसे है कि वहाँ पे इतने सन्यासी रहते हैं आजू बाजू में, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो 2 से 4 लोगों के सिवा वहाँ कोई मुझे दिखता नहीं है। तो ये लोग जब तक संगठित होते नहीं तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। नहीं, और ये तीसरी बार भी करेगी, ये औरत को अंदर से पूरी अथॉरिटी है कि हम तुम्हें बैन नहीं करने वाले हैं, यू डू व्हाटएवर यू लाइक, यू किक देम। उनका काम आसान कर रही है ये, बाउंसर का काम कर रही है वो। अगर हम छोड़ के कई कंट्री में जाके ऐसा कुछ बोलते है तो वहां पे हमारे तुरंत अरेस्ट करता है, तो हमारे यहाँ की वैसे डिले हो रहा है। प्रमोद जी, नेपाल जा रही हूँ 26, काठमांडू जा रही हूँ और अरुण आनंद से मीटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ से
काफी सारे नंबर्स हमारे इंडिया में आ सके और दिसंबर में आके हम एक बहुत बड़े नेशनल लेवल पे एक ओशो वर्ल्ड ग्लोबल समिट तैयार करें, जिसमें कि सारे दुनिया से ओशो वर्ल्ड थेरेपिस्ट, लीडर्स, मेडिटेशन कैंप पीपल, सन्यासिन फ्रेंड्स, सब एकजुट होके, यूनाइटेड होके हम एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 26 को मैं नेपाल काठमांडू जा रही हूँ। इसी बहुत बढ़िया। अनुग्रह जी, आप क्या बोलना चाहते हो? नहीं, आपकी बात सही है, हमारे को एकजुट होके, लेकिन स्वामी जी ने बिल्कुल सही किया, वो प्रमोद जी वो चाहते हैं कि हम अटैक करें, तो वो नेक्स्ट टाइम पुलिस को बोलेंगे कि इनको 500 मीटर दूर से ही, वो हमें, उनका मेन है कि हम, उनका मेन मुद्दा है कि हम उधर उधर गेट पे ना आए, ठीक है। अगर हम महिला पे अटैक करते हैं तो इनको एक इशू मिल जाएगा हमारे मुहिम के खिलाफ कि आप लोग 500 या 1000 मीटर दूर से प्रोटेस्ट करो, लेकिन हमने हमने नहीं करना है, हमने अटैक नहीं करना है, हमने लीगल तरीके भारत के संविधान के अनुसार कि एक महिला किसी महिला पे अटैक करती है तो वो महिला को अपने खुद के बचाव के लिए उसको मारना जरूरी है। जरूरी है, आपकी बात सही है, लेकिन लेकिन हमने दोनों, हमने पुलिस के थ्रू लीगली तरीके से इसको डिपोर्ट कराने की कोशिश करेंगे, शायद हम कामयाब हो जाएं, क्योंकि आजकल कोर्ट हमारा बहुत साथ दे रही है। अभी हाई कोर्ट ने तो अच्छे फैसले बताए अगस्त में, तो वी डोंट वांट टू स्पॉइल दैट, वी वांट टू कंटिन्यू विद द लीगल वे एंड ट्राई टू रिमूव दिस लेडी थ्रू लीगल मीन्स व्हिच आर अवेलेबल। इन्होंने अभी रिपोर्ट लिखाई है, इन्होंने दो धाराएं हैं उसमें, फिर आगे उसको बात को बढ़ाएंगे ना। आप जैसे लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं मीडिया में, इसको इसकी हमारे पास वीडियोस है, अब हम मेरी रिकमेंडेशन है स्वामी जी से कि स्वामी जी इस वीडियो को आप प्रेम गीत को या किसी को दे दीजिए, आगे चल के हम कोर्ट में दिखा सकें इसको, हाई कोर्ट में जब नेक्स्ट डेट होगी, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। हाई कोर्ट कई चीजों से अवेयर नहीं है अभी तक, हाई कोर्ट ने हमें आर्डर तो दे दिया समाधि पे जाने का, ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट को पता नहीं है कि ये 4 लाख लोग हैं, इन्होंने समाधि आधे घंटे की कर दी है सिर्फ। ये दोनों जो, हाँ, ये दोनों वीडियोस जो है ना, मेरे वक्त जो हुआ वो, और संतोष जी के साथ जो हुआ वो दोनों भी वीडियोस हमने सारे ग्रुप्स में डाल दिए हैं। हाँ, प्रेमगीत जी के पास भी ये है वीडियो, ये जजेस को हम दिखाएंगे। हाँ, वकीलों के थ्रू, हमारे वकील जो हैं वो, उनके थ्रू हम दिखाएंगे कि हमारे पर अत्याचार हो रहा है, शायद जज ही कुछ ऑर्डर निकाले इनके खिलाफ, कुछ तो करना पड़ेगा ना इसको। मधु मैम, हम आखिरी स्टेज में, आप थोड़े 2 मिनट में आप क्या कहना चाहोगे आखिरी टाइम पे? ये बस लड़ाई जारी है और ये चलती रहेगी जब तक हमें भीतर पूरी तरह से हमें जाने के अधिकार नहीं मिल जाते। अधिकार तो हमें है, लेकिन ये ट्रस्टियों ने और ये जो भी विदेशी लोग यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं आश्रम पे, वो चला रहे हैं इन ट्रस्टियों को, तो इन्होंने इतना सारा हमारे ही कायदे की हेल्प लेके उसका इतना जंजाल बना के रखा है, तो इसको तोड़ने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी और हम अपने आश्रम गेट पे हम जाते रहेंगे, हम वहाँ ध्यान करते रहेंगे, हमें वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो हमारे परमात्मा। संतोष स्वामी जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भगवान श्री के जाने के बाद से इन ट्रस्टियों ने जो क्राइम शुरू किया है वो क्राइम आज तक जारी है, और हम सन्यासी हैं, हम किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं, हम लीगली जो है सारी कार्यवाही में लगे हुए, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारे ऊपर जो हुआ है हम उसका लीगल एक्शन लेंगे और सरकार से पूछेंगे, पुलिस से पूछेंगे, सबसे पूछेंगे। एक ये विदेशी महिला हमारे भारत में, हमारे देश में आकर के बिना किसी गुनाह के वो हमारे ऊपर अटैक कर रही है, तो सरकार, पुलिस और हमारा भारतीय जनमत भी हमको इसको जवाब दे कि आप कब तक सोए रहेंगे। वो अदालत तो मामला सब देख ही रही है कि ये कितना क्राइम किए हैं 30-32 सालों में। इनका समय नजदीक आ गया है और ये बिल्कुल अपना होशो हवास खो चुके हैं, अन्यथा ये प्रवोक नहीं करते, उस महिला को से मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कराते। ये उनकी बहुत बड़ी कमजोरी है कि इनको पिटवा दें तो ये भाग जाएगा। भाई, तुम्हारे पीटने से हम कैसे भाग जाएंगे, हमको हमारा काम करना है, तुम्हें क्राइम करना है, हमें उस क्राइम से बचना है और हमें
ओशो का उत्सव लाना है। जी 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 आरती, तो उत्सव जीते आप आप क्या बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इसको अभी हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा। और जो सन्यासी डर रहे हैं अभी भी, जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन्हें सब अपने घरों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो अपने घर छोड़ के बाहर अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। हिम्मत लेनी पड़ेगी, अपने घरों से निकलना पड़ेगा, अपने और बाहर रोड पे आना पड़ेगा, इस मुहिम में ज्वाइन करना पड़ेगा और इस ओशो मैनेजमेंट ट्रस्ट के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी कि क्यों आप ऐसे लोगों को यहाँ पे आड़ अपनी आड़ में रख रहे हो, जो कि एक ही ऑफेंडर नहीं है, ये रिपीटेड ऑफेंडर है। क्यों ऐसे लोग हमारे इंडिया को गालियां दे रहे हैं और हमारे सीनियर सिटीजन पे असॉल्ट कर रहे हैं, और आप ओशो मैनेजमेंट ट्रस्टी चुप है? ओशो मैनेजमेंट ट्रस्टी कुछ नहीं बोल रहे? क्या वो ब्लाइंड है, वो अंधे है, उन्हें दिख नहीं रहा, उन्हें सुन नहीं रहा? अरे क्या वो इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं? ध्यान का मतलब है अपनी सेंसिटिविटी ग्रो होनी चाहिए। क्या वो अपनी पूरी सहनशीलता भूल गए हैं? इस तरीके की उन मोटी चमड़ी क्यों पाल ली है उन्होंने? तो जब उन्हें सूट करता है वो एक तरीके के बन जाते हैं, जब उन्हें नहीं सूट करता है तो वो दूसरा रूप ले लेते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर सन्यासी को जो कोरेगा पार्क में रहता है, जो इस देश में रहता है, वो निकले बाहर, इस मूवमेंट को ज्वाइन करे, अपनी आवाज उठाए, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाओगे तो चीजें बदलेंगी नहीं। आप यूं ही जुल्म सहते रहोगे, आप यूं ही मरते रहोगे हर रोज। प्रमोद जी, अनुग्रह जी, प्रमोद जी, हाँ बोलिए, संतोष बोलिए। मेरे ऊपर जो नया वार होने वाला है वो ये होने वाला है कि इनको किसी की फ्लैट में जगह मत दो रहने के लिए। अच्छा। और हाँ, और अगर कोई मुझे कहता है कि आप मेरे यहाँ नहीं रह सकते हैं, तो मेरा मंदिर जो है वो जिंदाबाद, मंदिर में रहेंगे, झंडा अपना, उत्सव का झंडा हम अपना गाड़े रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत अच्छा। सभी ने भारतीय जन्म टीवी चैनल को टाइम दिया, इसलिए भारतीय जन्म टीवी चैनल से वो तरफ से आपका सबका स्वागत है। और फिर हम इसी टाइम पे कभी तो और इस नए मुद्दे पे मिलते रहेंगे, तब के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका, प्रणाम। முதன் முறையாக ஒரே சேலையில் நான்கு சேலைகள், கல்யாண் ஃபாரின் வன் மல்டிபிள் பட்டு சாரீஸ், நாலு விதமான பாடி கலர்கள், நாலு விதமான முந்தானைகள், நாலு விதமான பார்டர்கள், கல்யாண் த்ரீ இன் ஒன் மல்டிபிள் பட்டு சாரீஸ், மூணு விதமான பாடி கலர்கள், நாலு விதமான முந்தானைகள், மூணு விதமான பார்டர்கள், கல்யாண் டூ இன் ஒன் மல்டிபிள் பட்டு சாரீஸ், ரெண்டு விதமான பாடி கலர்கள், ரெண்டு விதமான முந்தானைகள், ரெண்டு விதமான பார்டர்கள், கல்யாண் ஒன் இன் ஒன் மல்டிபிள் பட்டு சாரீஸ், இரண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி உடுக்கும் சௌகரியம், எல்லாம் ஒரே சேலையில் நியாயமான விலையில். நியூ கல்யாண் சாரீஸ், 100 அடி ரோட், கோவை. வாருங்கள், பட்டில் புதுமைகளை அனுபவித்து மகிழுங்கள்.